12 बजे के आसपास एक पेशेंट बहुत सीरियस अवस्था में आया था। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 30% था। 8 दिन से बुखार, खांसी और सांस लेने तकलीफ थी और प्राइवेट में डॉक्टर हक का इलाज करा रहा था। यहाँ जैसे ही पेशेंट आया, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया साथ वालों को, देखो हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता। एक भी बेड उपलब्ध नहीं था अस्पताल में, वो कहीं बाहर शिफ्ट नहीं हो सकता। मैंने वहीं रह के उसको जितनी मेहनत कर सकते इमरजेंसी में मेहनत करी, और 2-3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते, इसीलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में, मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता, हम तो इंसान है, डॉक्टर है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था, खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए और 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने मुझे नौकरी नहीं करना कर दिया, दे दिया इस्तीफा मैंने, मुझे मैं इस कदर की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी गलती, मुझे 50 जूते मान लो गाली दे दो मुझे मंजूर है, बगैर गलती के इस तरह लोग बाहर से आएंगे तो रोज कोरोना में डेथ होना, आज के दिन गाली दी कल के दिन मारेंगे कोई चाकूदार पेट में, मुझे नहीं करना दादा ऐसी नौकरी, मैंने रिजाइन कर दिया आज से और कल से मैं घर बैठूंगा दादा, मैं नहीं करना, मेरे बस का नहीं है इतना, मैं आऊंगा भी काम करने देना, वैसे तो मेरे से काम हो नहीं पाएगा ना कोरोना पेशेंट।